अभी पांच बहुए एक कर्मचारी को पिया दिलाए हैं, वो बोला कि हमको पिया हुए तब मिलेगी। अभी पांच बहुए एक कर्मचारी को पिया दिलाए हैं, वो बोला कि हमको पिया हुए तब मिलेगी। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन नशा मुक्त अभियान चला रखा है, लेकिन नशा इस कदर से पूरी व्यवस्था पर हावी हो रहा है कि अब अन्नदाता को शराब पिलाने के बाद ही खाद मिलने की संभावना है। दरअसल मामला करहिया मंडी का है, जहां खाद लेने के लिए हजारों की संख्या में किसान रात्रि 2:30 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन यहां के कर्मचारियों के द्वारा शराब पीने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। किसान ने बताया कि शराब पिलाने के बाद भी अभी तक उन्हें खाद नहीं मिल पाई है। रात 2:30 बजे से किसान लाइन लगा कर खड़े हैं। आपको बता दें कि शासन प्रशासन की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों में चल रही हैं। आदेश और कानून का किस तरह से पालन किया जा रहा है, ये आए दिन मीडिया में सुर्खियों में रहता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन शासन प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश सरकार का कैसा नशा मुक्त अभियान है कि अब अन्नदाता से ही शराब पीने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। दिखाते हैं किस तरह से मंडी में अव्यवस्था का आलम है और किसानों ने किस तरह से कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह कहना मैं इससे वीडियो भेजा ना, क्या नाम है, कहाँ से हैं? हमारा नाम अनिल कुमार द्विवेदी है, हम पुरैनी कोठार के निवासी हैं। कहाँ पे आए? हम मंडी करहिया में आए हुए हैं खाद के लिए। खाद नहीं मिली, लगे लाइन। हम 2:30 बजे रात से लगे हुए हैं। क्या बात है, यहाँ जो कर्मचारी है, कर्मचारी तो घोंस मांगते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी पांच बहुए एक कर्मचारी को पिया के लाए हैं, वो बोला कि हमको पिया हुए तब मिलेगी। क्या पिलाएं उनको? उनको शराब पियाए हैं करहिया मंडी में। क्या देने के लिए बोले हैं? देने के लिए तो बोले हैं, पर जब मिल जाए तब ना बोले, अभी तो मिली भी नहीं। पैसा कितना बाकी? पैसा वो नहीं ना, वो पीने के लिए बोल रहे हैं। शराब पिलाओ? हाँ पिला दिए हैं उसको, शराब भी पिलाए पांच पाऊआ अभी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनिल कुमार द्विवेदी, पुरैनी कोठार। क्या नाम है, कहाँ से आए? हाँ मेरा नाम हरिओम तिवारी है, मैं पुरैनी गाँव से आया हूँ। मैं आया हूँ, ये अपना गल्ला मंडी है, खाद लेने आया हूँ साहब जी। क्या समस्या आ रही? समस्या ये आ रही साहब जी, इतनी लाइन लगी हुई है और मैं हम लोग 2:30 बजे रात से लाइन में लगे हुए हैं और कहीं भी कोई मतलब ऋण पुष्टि का लिए और पैसा लिए खड़े हुए हैं और कोई मतलब नहीं निकल रहा था। टोकन नहीं पट रहा, तो आपको मिला क्या? नहीं नहीं, मेरे को कोई टोकन नहीं मिला साहब जी, और पता चला कि कुछ पैसा देकर टोकन लेते हैं, पर मेरे को टोकन ओकन कुछ नहीं मिला है, मैं लाइन पे खड़ा हुआ हूँ। नहीं मेरी बात हुई तो बोल रहे हैं कि 200-500 रुपए लगेगा, उसके बाद जो होगा तो होगा। भीड़ लगी हुई है, काहे के लिए आप लोग? भीड़ खाद लेने के लिए लगी है, कल ये टोकन मिला था तो अभी तक खाद ही नहीं मिल रही है, ये ऋण पुस्तिका लिए खड़े हैं और ये टोकन। समस्या ये आ रही कि बोल रहे हैं कि लाइन में लगो, अब लाइन में थोड़ी खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिल रही है। पैसा कितना?